नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों, आज की एक और वीडियो होने वाली है निशु डूंगर की। भाइयों, आज भाई से बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, सभी को राम राम है जी। सबसे पहले राम राम है जी। राम राम जी। राम राम। निशु भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। निशु भाई, एक बात बताओ, आपको कितना समय हो गया इस लाइन में जुड़े हुए भैंसेबाजी में जी? भैंसेबाजी में तो जी मजा 8-10 साल हो गए जी। 8-10 साल जी। 8-10 साल में कितने भैंसे चेंज कर दिए होंगे लगभग? भैंसे तो जी कम से कम 5-6 भैंसे चेंज कर दिए। 5 भैंसे तो बतेरे चेंज हो गए जी। जी हाँ, जो इसमें जो सही टूर्नामेंट में काम करा, जी 4-5 झुट्टों ने काम करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निशु भाई, जैसे कि ये आपके पास जौन सा भैंसा ये वाला है जी, या कटड़ा या वाला जी। ये उन्ना है, दांतों में है, कैसे कन्नी लग लिया? ये दो दांत तोड़ गया जी। दो दांत तोड़ गया जी। इसका क्या कोई टूर्नामेंट खेलिया आपने अभी तक? नहीं, अब तक उतारा नहीं टूर्नामेंट में। हाँ, बस तैयारी चल रही है उतारने के लिए। अच्छा, किन में? उन्न में उतारोगे, दो दांत में उतारोगे, किस में उतारोगे आप? ऑलराउंडर ही उतरेगा जी। ऑलराउंडर उतरेगा। अच्छा अच्छा, तो इसका कोई चैलेंज वगैरह छोड़ना चाहोगे आप? चैलेंज छोड़ देंगे जी, अभी समय लगेगा थोड़ा सा। कितना समय? लगभग लग ही जाओगा 1-2 महीना हा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई जी। बिल्कुल ब्रांडेड हो जाएगा अपने उसमें जी। अब जब भी चैलेंज छोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया जी, जो बहुत भाई भगाना चाहोगा भगा सकता है। तो निशु भाई, जैसे कि 10-12 साल हो लिया आपको लगे हुए इस लाइन में, तो अच्छे अच्छे दिग्गजों के साथ आपका पिच्चा पड़ा होगा जी? जी सबकी साथ ही जी। लगभग जैसे कि सारे झूठे भाग रहे थे जी टूर्नामेंट में। हाँ जी हाँ, जैसे कि राजीव भाई का, बावली वाले का भी। अच्छा। हमारा भी। हाँ जी। कर्म खेड़ी वाले मास्टर जी का भी। हाँ जी। रोहित ककड़ीपर का भी। अच्छे, ये सभी झूठे हमारी गाली भाग रहे थे। गुज्जर वाले का, अमित गुज्जर घोरे का था जी। अच्छा, अमित भाई घोरा। हाँ जी, टेंकू बटावली का था जब भी। अच्छा, तो उसमें क्या नाम आम उसमें क्या ठाया जी? हाँ जी, उसमें किसका नंबर आया जी? कोई नंबर आया जी? नंबर? हाँ जी। क्या नंबर आया जी? फर्स्ट भी रहे, सेकंड भी रहे जी। क्या क्या कहा जी आपने? फर्स्ट भी रहा जी, सेकंड भी रहे, ऊपर तली चलते रहे। अच्छा, उस रेस में फर्स्ट भी रहे, सेकंड भी रहे, थर्ड भी रहे। हाँ, टूर्नामेंट में ऊपर तली के चलते रहे जी। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है, देखो जी एक से एक दिग्गज पड़ा है। तो निशु भाई, एक ही भैंसा है, दो भैंसे का रखे हैं आपने? अब तो जी कटड़ा है जी, दो दांत। अच्छा, दो दांत है जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो निशु भाई, जैसे आने वाले समय में आपने कहा कि हम उतारेंगे इसे ऑलराउंडर, कहने का मतलब ये है इसे टूर्नामेंट में ही उतारोगे, चैलेंज के लिए उतारोगे? टूर्नामेंट भी भगाओगे जी और चैलेंज भी डाल लेंगे, तैयार हो जाओगे। अच्छा, कितने मीटर में चैलेंज होना चाहोगे आप? भाई जी, हम तो जी भाई तो दूरी कुछ होती ना जी, भाई 2 किलोमीटर लो, 100, 200, 400, 500, 2 किलोमीटर लो, इतना तैयार कर रहे जी हम। अच्छा, छोटी दूरी 200 मीटर? 200 मीटर, 300 तो है। 300 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर तक तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तैयार करते हो आप, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो निशु भाई, जैसे कि आपने कहा कि टिंकू बटावली हो गया, राजीव बावली हो गया जी, मोहित ककड़ीपुर हो गया जी, आपने कईयों के नाम बताए, अमित गोरा भी भाई, तो भाई कभी इनके साथ भी आपने चैलेंज खेला जी कोई? ना ना, चैलेंज नहीं खेला इसके, अमित भाई के गैल खेला था 700 मीटर का टाइमिंग का। 700 मीटर का खेला था। हाँ। उसमें क्या रहा जी? उसमें मैं विजेता हो गया था जी। कितने सेकंड से टाइम उसमें था उसका? 1:08 में। हाँ जी। हमारा था 1:56 में 700 मीटर पिछले की माप, जिसमें टिंकू बटावली बिचोल हुआ था। अच्छा, बिचोल हुआ था, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जी उसके बाद, जैसे कि जाहिर सी बात है, और किसी दिग्गज के साथ हुआ हुआ आपका? वह फिर एक रेस मिली थी जो हमारी महकार की, वह भाग नहीं पाई थी, वहाँ से प्रशासन वो हो गया था छपरौली रोड पर। अच्छा जी। अब फिर वह कैंसिल हो गई थी। अच्छा, महकार भाई के साथ भी आपकी रेस तय हुई थी, भाग नहीं पाया? हो गई थी जी वह। अच्छा, भाग नहीं पाया? फिर वह भागी नहीं, फिर उसके बाद में भागी नहीं, फिर इफ्जर अंबाजी तक भागी थी, उसमें थोड़ा झोटा छूट गया था एक बार 500 मीटर। हाँ जी। बस फिर क्या लगे दोबारा छोड़ लो, फिर का दोबारा में फिर थोड़ा छोटा पीछे छूट गया। हाँ जी। तो पता ही है दोबारा में तो। हाँ जी, जाहिर सी बात है,
एक बारी भैंसा गर्मी बहुत है जी। हाँ जी, गैल की गैल वो जोटा छुट्टे नहीं था। हाँ जी, और वो हमारा 500 मीटर जिसमें बाजी था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो कहने का मतलब है अच्छे अच्छे दिग्गजों के साथ आप खेल चुके हो हैं। हाँ जी, खेल है जी, उसमें कोई वो नहीं है। बस हम वो नहीं मानना कोई ठाड़ा है हमारे साथ, कोई आ रहा है कुछ नहीं, हमें तो खेल खेलना था जी। खेल खेलना है। तो मम्मा जब जी भी आवे जी ऊपर तली के खिलाड़ी आवे कंपटीशन के सही बात। उसमें भी कोई मजा नहीं है कि एक तरफ ही फर्स्ट रहूं जा, एक तरफ ही फर्स्ट रहूं, मैं बराबर की टक्कर होनी चाहवे जी भी मजा आवे। तो पीछे टूर्नामेंट हुए थे, मैं भी टूर्नामेंट में आया था। एक बिजरोल में हुई थी, एक बाबली में हुई थी, आप बाबली में भी मिले थे मुझे। तो जी वहाँ की कमेटी कैसी रही? वह कमेटी बहुत अच्छी थी। कमेटी थी जी कहाँ वाली? बावली वाली बढ़िया कमेटी थी। बढ़िया कमेटी थी जी, कोई किसी प्रकार का कोई छल प्रेम नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष दौड़ है ना जी। हाँ जी। और ये बिजरोल में हुआ था, बिजरोल में शायद आप लेके भी गए थे। बिजरोल में तो अभी तो नहीं लेके, वो बड़ा झोटा लेके था, बड़ा बच्चा। अच्छा जी। और उसमें थोड़ा फॉल्ट मार दिया था, फिर हमने कह दिया था। उसमें क्या फॉल्ट था जी? उसमें टाइमिंग में फॉल्ट हो गया था जी, झोटे थे वहाँ बहुत काफी। हाँ जी। और जिसमें की फॉल्ट मार दिया, हमारा झोटा फर्स्ट था। हाँ जी। तो उसमें टाइमिंग में फॉल्ट मारा उसने रेफरी ने जी, फिर हमने बस वहाँ से माइक लेकर अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ जी। जिसके झोटे नंबरों में है। हाँ जी। वे दोबारा बच्चा भगा दिया जाए उनको। हाँ जाहिर सी बात है, थर्ड होगा। हाँ जी। उसे इनाम दे दिया जा, उसे नाम दे दिया। फिर उन्होंने मुझे ही फर्स्ट की शील्ड दे दी थी, फर्स्ट का इनाम दे दिया था। पहले लगा नीतू भाई तुम ही विजेता हो। अच्छे, आपको फर्स्ट का इनाम मिला वहाँ पे। वहाँ तो कई भैंसे आए थे जी, ये पप्पू सांधन का भी था जी। ये अब की बात नहीं जी। हाँ जी, ये तो जी काफी 4 साल पहले की बात है जी। अच्छा, 4 साल पहले की बात है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बुजुर्ग हैं जी, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। ताऊ जी आपका शुभ नाम है जी? राजपाल जी। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी आपका बच्चा खेलता है, भैंसेबाजी का शौक करते हैं जी, क्या आपको अच्छा लगता है? है जी, अच्छा ठीक ही कर रहा है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आपको कैसा लगा जी? राम राम जी। राम राम। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह जी। आपका बच्चा नामकरण लग रहा है जी, कैसा लगा जी? अच्छी बात है, नाम कह रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि ये टूर्नामेंट में जाते हैं, कुछ कहना चाहोगे? रुचि है नहीं, हम कहीं गए नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत बढ़िया बात। अच्छा भाई जी, आपका शुभ नाम? राहुल जी, हमारे प्रधान जी राहुल जी। अच्छा, मौजूदा प्रधान भी हुआ? नहीं, वैसे प्रधान कह रहे हूँ, चाचा लगे नाते में। अच्छा, इसका बहुत सहयोग रहा था जी। अच्छा। जो बड़ा बादशाह था। हाँ जी। उसमें यू गैल रहा, बहुत सहयोग रहा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। बहुत सहयोग के साथ हमने उसका टूर्नामेंट खेल ली, हम उसके साथ मरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर भाई का शुभ नाम? लड़का बेटा लगा जी। हैं जी, आशीष है भाई। आशीष, बहुत बढ़िया भाई, सभी को शौक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कहना चाहूँ निशु भाई, जैसे कि आपके गांव में आप ही का शौक है, कोई और भी रखा है जी भैंसा? नहीं जी, जब तो मैं यही भगा रहा था हूँ, तो भगाने को तो 5-4 बच्चे भाग रहे थे। हाँ जी। और नंबर में तो कहीं फटे ही ना थे। हाँ जी। और अभी जा 5-4 टूर्नामेंट, ये धर्मेंद्र वाला कट्टा मन ने भगवाया, तैयार करवाया गया। अच्छा जी। हाँ, और उसकी गल रहा था मैं, आज उसका टूर्नामेंट, 2-4 टूर्नामेंट में पट्टी में रहा उसका नंबर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैं तो जो भगाया, गांव का नाम रोशन के लिए भगाया, गांव का नाम करा, और मैं तो यूँ और बढ़िया सहयोग से रहा। बहुत बढ़िया, मगर गांव का नाम हो जा कहीं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, अच्छी सोच है जी। डूंगर को कोई नहीं जाना था जी। जी जी, ये तो कोई नहीं, तो जान जा कहा, डूंगर का छोटा भागा था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हम तो लोग कह रहे जी, जो कोई और भाई जब भगावे, नाम रोशन करे, हम उसका सहयोग भी देंगे। बहुत अच्छी बात है जी, कोई और करना चाहे तो साथ में नाम करो। हाँ, और उसके क्या रहेंगे हम, और वो नाम करो, हम लोग कहे जो सहारा होगा वो लगावेंगे। बहुत बढ़िया, समर्थन भी दोगे साथ में। हाँ, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात। काम को बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हमने तो उलट फेर की, और शुद्धि दौड़ सारी ऑलराउंडर सारी खिलाई जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम तो गए गाँव में, कोई भी वैसा
अच्छा निकला है, उलट फेर में भी नाम रोशन करो, हम उसकी गैल है सहयोग देंगे। बहुत बढ़िया। तो भाईयो निशु भाई की ट्रॉफी है, दूसरी तरफ पड़ी है, बेबी दिखाएंगे आपको। हाँ जी, कमरे में रखी है। अर्जीवा भैंसा है, भैंसा भी दिखाएंगे। हाँ आपको भैंसा दिखाते हैं। चलो निशु भाई भैंसा दिखाओ। भाईयो भैंसा लिया आ, दांतों में दो है। निशु भाई दांत दिखाओ। हाँ जी, दांत चेक कराऊंगे। दांत चेक कराओ जी इसके। यार नस्ल कौन सी है निशु भाई? राजस्थानी है जी, अभी निकाल ले ना, अभी थोड़े महीने से देखो। बहुत देख लिया जी, देख लिया। और बच्चा आपके सामने है जो भी। भाईयो देखो, रीढ़ की हड्डी की बात की जाए बहुत ही शानदार है, पुट्ठे की बात की जाए तो तैयार कर रखे भाई ने पूरा। देखो जी सारे बाघ से जो हो जा काम। पैर वैर बहुत ही शानदार है भाईयो, बात की जाए आगे से चेस्ट की बहुत ही शानदार है। तो भाईयो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जो भाई इस चैनल पे नए जुड़े हैं भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। तो जी इसे जोड़ के दिखा लेंगे भाइयों, अब मिलेंगे आपसे पट्टी पे सारे। निशु भाई कितने मीटर पे छोड़ोगे इसे? जितने मीटर आप कहोगे जी उतने मीटर छोड़ देंगे हम तो। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों देखते हैं, पीछे पे जाके देखेंगे जी, बने रहो भाइयों वीडियो में। निशु भाई की गाय है, निशु भाई कह रहे हैं कि 22 बार ब्याली है। ये जी देसी गाय नहीं है जी, यो देसी में दोगली है। हाँ जी, देसी में थोड़ी दोगला, इसमें दोगला बना रहा है। हाँ जी। तो भाई यो 22 बार ब्याली जी, देखो इन्होंने 22 बार ब्याली फिर भी इन्होंने सेल जम। हाँ वो रख रखाव अच्छा है जी, बहुत ही बढ़िया रख रखाव है, अच्छी बात है, होना भी चाह। एक भाई की यह है, ये इसी की बच्ची है जी, खारके की। अच्छा इसी की बच्ची। हाँ, इसमें 14 किलो दूध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। भाइयों कुछ शील्ड ये हैं भाई की टंगड़ियां, बहुत तगड़ी शील्ड है जी, या तो बड़ी बड़ी शील्ड। यह पुरावे की थी जी, उस पे सबकी निगाह थी जी। अच्छा जी, इस शील्ड पर सबकी निगाह थी। यह सबसे बड़ी शील्ड थी। हाँ जी, ये सबसे बड़ी। अनुभव वहां जी सारे जुटे थे जी, सारे दिग्गज जी। 2012 में। हाँ जी, 2018 में। 18 में। हाँ 2018 में। अच्छा जी। हाँ जी, इस पर है निगाह थी। हम अभी इतना मान मिला जुटे ना, जो काम कराया हाँ जी की। भाइयो इस चीज को इसमें पहले लेता, ये शील्ड है जी अपने भाई का, मेरा गुरुजी। ये बहुत बढ़िया जी, बहुत शील्डे हैं भाई के पास भी, काफी शील्डे हैं। ये शील्ड कहां से मिली थी निशु? ये ऊपर वाली सब ले शील्ड है जी। या बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। या गोरखपुर की फर्स्ट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये भी जोड़ेंगे जी भैंसा। भाइयो क्या शील्ड है? चार। क्या कह रहे जी? हमारे पापा का जो शौक था जो। अच्छा 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 भाई, आप इधर बाहर आ जाओ बाहर। हाँ जी, यहाँ पे खड़े रहो। हाँ जी, बोल लो क्या कह रहे। ये जो शौक था ये हमारे बड़े भाई को था। अच्छा जी। जो निशु के पापा थे। अच्छा जी। रामपाल सिंह मलिक जी, उनके शौक था, ये शौक हमें लगा था। बहुत बढ़िया जी। और जो वो जो इसका बड़ा भैसा था जी, इससे बत्ती लगाओ हमें, उस तब इस तब उसका लगाओ हम कराते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसी के हमारे भाई के हाथ का लाया हुआ था वो वस्सा, उसी वस्से में यू हमारा गांव जना और यू विजय करी, जो हम जनाए गए उसी की वजह से जनाए गए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यह है भाई, वो बड़ी तरक्की करी है। देखो इतनी शील्ड लेनी अपने आप में, एकदम नाम है। जो शौक था हमारे पापा को था शील्ड का शौक, उनके आगे तो आ पाई नहीं थी जी, पर वैसे उनके आगे कड़ी था। बहुत बढ़िया, बड़े भाई मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं थी यार। हां जी, जब मैं इस काम में होता तो मैं जरूर आता। उम्र भी तो इतनी ना थी, पर तावड़े चले गए। 4 साल पहले की बात है जी। हां भाई, तो कह रहा हूं कि भाई इतनी उम्र नहीं थी, बस ये काम होने वाला है। बस जी ले लिया वीडियो, ले ली मैं, आ जाओ बस। निशु भाई पीड़ा काट रहे जी बाहर। एक एक पीड़ा हो रहा इधर, बस जो उनसे में जोड़ोगे वही ले लो बाहर। उधर वो बड़े जुट्टे वाला ही है। अच्छा, बड़ा है।
वो बड़े झुट्टे का पीड़ा है वो उसे बेचते। अच्छा जो पुराने वाले का होगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेल नहीं करते भाई वो इसे अनमोल है बहुत बढ़िया भाई दो भाइयों को दे दे चलाने के लिए। अच्छा अच्छा लिया हुआ भैंसा लिया भाइयों लवारा लिया आ ये भी जोड़ेंगे जी तो ठीक हो रहा ना हाइट तो बहुत हो रही भाई जोड़ता ना कोई तैयारी नहीं थी जोड़ने की बस एकदम से मूड हो रहा है जोड़ लो के चलो जी लेके चलो ले आओ जी प्रधान जी मोटरसाइकिल चल भाई नीशू चल भाई चल 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 भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिले देखने की। भैंसा पूरा तैयार कर रखा भाई ने एक बार तो उन्होंने मामला खराब कर दिया ड्राइवर साहब ने दूसरी बार भाग गया एक बार तो वीडियो ख़राब होगी इसकी। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिले बहुत ही शानदार। थैंक यू भाई निशु भाई आपने इतना धन्यवाद आपके चैनल को। सभी को राम राम है जी। राम राम भाई जी। चौधरी साहब जैसे कि निशु भाई भैंसा बगान लग रहा है जी आपको कैसा लगा जी भैंसा भागता हुआ बढ़िया भाग गया जी बढ़िया वाला भाग गया बस वैसे ने पहले भैंसा था उसे अस्सी बस देगा भैंसा यू वाला छोटे वाला। अच्छा जी हाँ काम में इससे ठोक भागने वाला भैंसा भी फिलहाल है नहीं। बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों देखो आने वाले समय में क्या करता है सोनू तो यहाँ डूंगर में फ्रंट पे चल रहा। अच्छा जी हाँ नीशु बहुत बढ़िया भगवान का नाम रोशन के लिए भगा रहे जी हम भी बहुत बढ़िया जी का नाम है हाँ। या बुजुर्ग बैठे हैं जी आपका शुभ नाम यादराम सिंह मलिक बहुत बढ़िया जी। ताऊ जी आपका नाम श्याम सिंह अच्छा आपका जी चंद्रपाल जी आपका ब्रह्मपाल जी आपका विनोद मलिक जी आपका ब्रजपाल आपका जी राम बहुत बढ़िया इधर भाई हैं आपका सोनू मलिक। तो भाइयों यार ड्राइवर साहब थे हमारे इन्होंने मामला गड़बड़ कर दिया दूसरी बार वीडियो बनवाई इन्होंने चलो उनकी लो बहुत बढ़िया। तो भाइयों कहने का मतलब यह है बहुत ही शानदार वीडियो बनी है बिना कांटी के जी तो यार बढ़िया कर रखे